कई लोग परिवार या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए किसी रेस्टोरेंट, कैफे या होटल में खाना खाना पसंद करते हैं। अगर आप रोड ट्रिप्स पर जाते हैं तो आप रास्ते में रुककर कहीं ना कहीं खाते पीते जरूर होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे होटलों के बिल में सर्विस चार्ज भी एडेड होता है। बता दें कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल होता है, अगर कस्टमर चाहे तो इसे देने से मना भी कर सकता है। लेकिन कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां रेस्टोरेंट्स में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को भ्रामक तरीके से बताकर सर्विस चार्ज वसूला गया है। इसी पर कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से ट्वीट किया गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्विस चार्ज होता क्या है। क्या होता है सर्विस चार्ज? बता दें कि सर्विस चार्ज दरअसल किसी होटल या रेस्टोरेंट की तरफ से दी गई सर्विस के बदले ली जाने वाली फीस है। हालांकि पहले से ही मेन्यू में फूड प्राइसिंग इस तरह की जाती है कि पहले से ही पूरी कॉस्ट कवर हो जाती है। इसके अलावा ग्राहक GST भी पे करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि ये सर्विस चार्ज भी सरकार ही लेती है और इसे देना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक सर्विस चार्ज सरकारी टैक्स बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसे देना जरूरी होता है। बता दें कि 4 जुलाई 2022 को CCPA की ओर से सर्विस चार्ज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था और इसे वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताया गया था। CCPA ने गाइडलाइंस जारी कर इस बात की जानकारी दी थी कि खाने के बाद ये ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कोई टिप देनी है या नहीं, अगर देनी भी है तो कितनी देनी है। आइए बाकी गाइडलाइंस पर भी नजर डाल लेते हैं। होटल या रेस्टोरेंट की तरफ से बिल में सर्विस चार्ज ऐड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी और नाम से भी सर्विस रिलेटेड चार्जेस नहीं लिए जा सकते। ग्राहकों के लिए सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है और सबसे जरूरी बात, GST लगाकर सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्या है कोर्ट का फैसला? बता दें कि CCPA की गाइडलाइंस के खिलाफ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट की तरफ से सर्विस चार्ज पर CCPA के बैन पर अंतरिम राहत दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि सर्विस चार्ज देना कस्टमर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने कोर्ट के बैन पर रोक को भ्रामक तरीके से बताना शुरू किया, यानी कहा जाने लगा कि हाई कोर्ट के 20 जुलाई 2022 के आदेश का पालन करते हुए कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगा सकता है। लेकिन कई जगहों पर ये नहीं बताया जाता कि सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है, जिसके चलते कई बार होटल मैनेजमेंट और ग्राहकों के बीच बहस होने के मामले भी सामने आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि होटल या रेस्टोरेंट 20 जुलाई 2022 के फैसले को भ्रामक तरीके से नहीं बता सकते और ना ही इससे ग्राहकों को भ्रमित कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बैन पर रोक लगाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट सर्विस चार्ज लेने की प्रैक्टिस का समर्थन करता है। अब सवाल आता है कि अगर आपसे किसी रेस्टोरेंट या होटल में सर्विस चार्ज देने के लिए कहा जाता है या उसे बिल में जोड़ा जाता है तो क्या करें? बता दें कि पहले आप वहां के मैनेजर से बात कर बिल से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कहें। अगर सर्विस चार्ज ना हटाया जाए या आपके ऊपर उस चार्ज को चुकाने का दबाव बनाया जाता है या बदतमीजी की जाती है तो आप बिल की कॉपी अपने पास रखें और कंज्यूमर फोरम में शिकायत करें। आप शिकायत कंज्यूमर फोरम के ई पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए बिल का आपके पास होना जरूरी है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।